नमस्कार साथियों, एमडी स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, राजस्थान में एक और नई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान में जेएन भर्ती यानी कि कनिष्ठ अभियंता कृषि सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान कनिष्ठ अभियंता जेएन भर्ती के लिए आयु सीमा, योग्यता, फीस, नोटिफिकेशन, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। कृषि विभाग के अधीन जल ग्रहण विकास भू संरक्षण विभाग के लिए अनुसूचित गैर अनुसूचित क्षेत्र कनिष्ठ अभियंता के नॉन टीएसपी क्षेत्र के 144 पद और टीएसपी क्षेत्र के 45 पद, कुल 189 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 7 जून से शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों, आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी? बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे जिन्हें राज्य के ई मित्र कियोस्क के जन सुविधा केंद्र से माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन अवश्य कर ले, तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है या एसएसओ पोर्टल के माध्यम से लॉग इन करके आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा। प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ID में से किसी भी एक ID प्रूफ के विवरणों का इंद्राज एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य होंगे। साथियों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो वीडियो में बताई गई पूरी प्रोसेस का पालन करते हुए सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर ले। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय ध्यान रहे आपका नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग वगैरह आपके जनाधार कार्ड में या आधार कार्ड में एकदम सही होनी चाहिए। अगर आपके जनाधार कार्ड या आधार कार्ड में अगर किसी प्रकार के आपके आपकी बेसिक डिटेल में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो ये एडिट नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप जनाधार कार्ड को या आधार कार्ड को अपडेट करवा लें, उसके बाद ही आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें। यहाँ पर साफ मेंशन कर रखा है तीसरे नंबर वाले पॉइंट पे, यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड और जनाधार कार्ड में उसके पिता के नाम, नाम, जन्मतिथि, लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले ही दुरुस्त करा लेना चाहिए। यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड, जनाधार कार्ड के माध्यम से न करके SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे सेकेंडरी की अंक तालिका एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके बाद देखते हैं आवेदन शुल्क क्या है इस भर्ती का। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु ₹450, नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग OBC, MBC वर्ग और EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ₹350, समस्त विशेष योग्यजन राजस्थान के ST/SC के आवेदक हेतु ₹250 और जिन अभ्यर्थियों की वार्षिक आय ₹2,50,000 से कम है उनके लिए भी फीस है जो ₹250 निर्धारित की गई है। इसके बाद पदों का वर्गीकरण इस प्रकार से, 144 पद हैं जिनमें सामान्य, ये सारी पदों के विवरण हैं जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं वेतनमान। साथियों, जो कनिष्ठ अभियंता का जो पद है उसके लिए सातवें वेतनमान के अनुसार पद लेवल पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 10 पेमेंट दे होगा। इसी के दौरान अगर पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या है तो भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद आयु सीमा। साथियों,
कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परंतु जिस भर्ती वर्ग वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो, यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यहाँ पर स्पष्टीकरण दे रखा है, कनिष्ठ अभियंता कृषि के पदों पर 2015 के बाद भर्ती नहीं होने के कारण आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो विशेष वर्ग है उनको आयु सीमा में अलग से छूट है, जो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद बात करते हैं परीक्षा शुल्क जमा कराने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि क्या है। परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र CSC नेट बैंकिंग ATM डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7 जून 2022 से 6 जुलाई 2022 रात्रि 12 बजे तक जमा करवाया जा सकता है, यानी कि 7 जून से आवेदन शुरू होंगे और 6 जुलाई तक आवेदन खत्म हो जाएंगे, तो इस पीरियड के दौरान आप अपना आवेदन फॉर्म भर लेंगे। परीक्षा का मार्च दिनांक, परीक्षा की डेट है कनिष्ठ अभियंता कृषि सीधी भर्ती परीक्षा की परीक्षा दिनांक है 10 सितंबर 2022 को निर्धारित की गई है। 10 सितंबर 2022 जो कि अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड का जो एग्जाम कैलेंडर है उसमें भी विस्तृत जानकारी दी गई थी कि 10 सितंबर 2022 को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा आवेदन कैसे करें, आवेदक जिस श्रेणी हेतु आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदकों को हिमायत दी जाती है ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर ले। अब ऑनलाइन आवेदन आप SSO ID के माध्यम से कर सकते हैं या कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हमने आपको प्रदान की है। अगर इस भर्ती संबंधी अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी जरूर सहायता की जाएगी। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथियों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिल सके। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।